प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ सेवा करने से क्या होता है? माँ भगवान का प्रकाश। प्रश्न, जिनकी सेवा करें वे यदि प्रकाशित ना हों तो? माँ, सेवा करते करते भगवत प्रकाश हुए बिना रहेगा नहीं, भगवत कृपा से ही सेवा होती है। प्रश्न, माँ कृपा पहले होती है या सेवा पहले होती है? माँ, कृपा बिना सेवा कैसे होगी? यह छोटी बच्ची तो कभी कथा नहीं कहती और कभी भाषण भी नहीं देती, सिर्फ अपने इन सब माता पिता से बातें करती है। प्रश्न, माँ सृष्टि चक्र में दोष किसका माने, अपना या भगवान का? माँ, दोष अपना मानना अच्छा है, इससे भगवान की ओर आने का रास्ता खुल जाता है। प्रश्न, अपने आप को कैसे पहचाने? माँ, अपने गुरु ने जैसा उपदेश दिया हो वैसा चलो। प्रश्न, माँ गुरु आप ही हैं? माँ, अपने से अपने अलग कैसे हैं? तुम भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, तुम जैसा चलाओ वैसा चलेंगे, हमारे हाथ की कोई बात नहीं, मैं भगवान के हाथ का यंत्र हूं, इस ख्याल से चलने से भगवान को पाने का रास्ता खुल जाएगा, उनके हाथ का यंत्र हूं ऐसा भाव रखकर चलने से बनते बनते बन जाएगा, यह सच्ची बात है, पक्की बात है। प्रश्न, माँ ऊपर ही ऊपर कहने से क्या होगा? माँ, भीतर बाहर जब तक एक ना हो जाए तब तक ऊपर से ही करना पड़ता है, जिस स्तर पर व्यक्ति रहता है वहीं से चलना पड़ता है, जब अंदर बाहर एक हो जाएगा तब प्रकाश होगा, ऊपर हरे राम करते करते अंदर से स्फुरणा होती है, कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से कुछ नहीं कहा किंतु अंदर से हो जाता है। आज ही विष्णु पुराण की कथा में एक बात आई थी कि कार्तिकी पूर्णिमा को भगवान को दीपदान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा के दिन एक चूहा जलते हुए एक दीप की ओर घी खाने की इच्छा से आया, दीप घृत के शेष होने से बुझने वाला ही था। चूहे ने ज्यों ही मुंह लगाया कि देवयोग से दीप में जो थोड़ा सा घृत रह गया था वह चूहे के मुंह में लगने से मुंह जल उठा, इससे उसकी मृत्यु हो गई और उसे दीपदान का फल मिल गया, परिणाम स्वरूप उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। क्रिया शक्ति का कैसा फल होता है देखा ना, एकमात्र भगवान ही सर्वत्र है, यत्र यत्र नेत्र हरे तत्र तत्र श्री कृष्ण सूरे, वह होता है केवल भावना की देरी से, किस ढंग से किसका रास्ता खुलेगा यह समझना कठिन है, भगवान ही जानते हैं। प्रश्न, माँ यदि हम मौन हो जाएं तो क्या महात्मा लोग बिना पूछे बता देंगे? माँ, यह शरीर कभी कभी कहता है कि वृक्ष के नीचे बैठो, वृक्ष का स्वभाव है उसके नीचे बैठने वाले को छाया देना, शांति देना और फल देना, फल देना अर्थात अपने को दे देना, वैसे ही महात्माओं के चरणों में बैठने से महात्मा लोग शांति देते हैं और अपने को दे देते हैं, अपने को देने का मतलब है आत्मज्ञान देना। प्रश्न, माँ जो महामंत्र है उसमें हरे राम 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 हरे हरे, इसमें जो राम शब्द आया है वह दशरथ नंदन राम के लिए है या दूसरे कोई राम है? माँ, बड़ी सुंदर बात है, यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वह जो हैं वह अपने आप प्रकट हो जाएंगे, खुद नाम ही स्वरूप प्रकाश कर देगा, नाम जपते जपते अपने आप प्रकट हो जाएगा कि जल बर्फ जैसा नित्य संबंध है, वैसे ही सारा प्रकाशित हो जाता है। नाम करना और नाम होना दो बातें हैं, नाम हो जाने से प्रश्न उठता ही नहीं, निर्गुण कहो या सगुण कहो वह एक ही है, तत्व प्रकाश के लिए नाम जपो, क्रिया करने से फल पाओगे, अपने को पहचानना माने भगवान को पाना और भगवान को पाना माने अपने को पहचानना है, पूर्ण समाधान के प्रकाश के लिए संयम की आवश्यकता है, साधन भजन करते करते मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है,
आत्मा क्या है यह सब प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए संयमी जीवन के लिए अखंड भाव से कोशिश करो, जितना करोगे उतना फल मिलेगा, भगवान फल दाता है। प्रश्न, मां महाप्रभु ने मंत्र को क्यों उलट दिया? मां, तुम्हारे लिए महाप्रभु ने नाम प्रचार किया, इससे लोगों का कल्याण होगा, ऐसा समझकर मंत्र बदला होगा। मंत्र बदलने की शक्ति हरेक में नहीं होती। प्रश्न, मंत्र बदलने की आवश्यकता ही क्या थी? मां, उन्होंने जो कुछ भी किया है वह सब जीवों के कल्याण के लिए। प्रश्न, मां हम लोग सत्संग कैसे करें? बच्चे लोग बैठने नहीं देते। मां, तुम ख्याल करो कि बच्चे लोग बाल गोपाल के स्वरूप हैं, इस भाव से करो। प्रश्न, हम तुम मिटेगा कब? मां, अवश्य मिटेगा। हम तुम रखकर भी हम तुम मिट जाता है, रहते हुए भी नहीं है और नहीं रहते हुए भी है। प्रश्न, बिना दो के रस नहीं आता? मां, रस जहां है वहां दो होना ही चाहिए, रस भोग करने वाले भी तुम ही हो, आत्मरस ही अपना असल रस है, अतृप्ति ही भक्त का लक्षण है। तृप्त होने पर तो आत्मस्थ हो गए, वेदांत की लाइन में मैं आत्मा हूं सदैव यह विचार रखना होता है, और भक्ति की लाइन में हर समय तड़फना पड़ता है, हाय हाय मिल नहीं रहा है, यह भक्त के लक्षण की बात है। प्रश्न, मां दुनिया में देखते हैं कि वैज्ञानिक नई नई चीजों की खोज करता है, जैसे बहुत खोज करके टेलीफोन बनाया और कष्ट के परिणाम में सारी दुनिया को लाभ मिल रहा है, वैसे ही कोई व्यक्ति भगवत दर्शन करके सबको भगवत दर्शन करा दे, ऐसा हो सकता है या नहीं? मां, ऐसा नहीं होता तो लोग महात्माओं के चरणों में क्यों बैठते? वैज्ञानिक दुनिया के भोगों की खोज करते हैं, उनकी खोज से मृत्यु का निवारण नहीं हो सकता। उनकी खोज में है करो और भोगो, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इन सब बातों की खोज नहीं है। असली चीज है तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा मूल स्रोत क्या है, यह जानना। बिजली कहां से आई, प्रकृति के राज्य में कितने तरीके हैं, इन खोजों से आत्मज्ञान नहीं होता। परंतु भगवत चिंतन करके भक्त आविष्कार कर पता लगाते हैं कि जीव क्या है, जीव से परे कोई है या नहीं इत्यादि। आजकल वैज्ञानिक लोगों ने टेलीफोन, मोटर, हवाई जहाज इत्यादि निकाले हैं। सुना है कि प्राचीन काल में पुष्पक विमान चलता था, अब हवाई जहाज है। जो था उसी का एक दूसरा तरीका हो रहा है सर्वत्र। जानने योग्य तो यह जानना है कि तुम में सब है और सब में सब है, माने भगवान कहो, आत्मा कहो, जो कहो, स्वयं भगवान ही है, भगवान अनंत हैं। भगवान कहते हैं मूल स्थान में जाओ, जितना तुम करोगे पाओगे। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है लेकिन भोग नहीं कर सकता, बिजली है, फोन है, लेकिन व्यवहार नहीं कर सकता। दुनिया का सुख दो दिन का है, परमानंद जहां मिले वही असली रास्ता है। संयमित जीवन रहने से अंतर की गांठ खुलती है, दुनिया के रास्ते से चलने से आवरण पड़ जाता है। जैसी क्रिया करोगे वैसा फल होगा। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।